हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट एक साथ ही होगा आपका फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं, काफी मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं कि मेरा प्रोविजनल क्यों एक्सेप्ट हुआ है, मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या कास्ट सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा नोटिफिकेशन में कैसा दिया हुआ है, वही आपको यहाँ वीडियो में हम दिखाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप जर्नल हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, जैसा कि आर्मी भर्ती में चाहिए होता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसको चाहिए? ओबीसी को चाहिए, एससी एसटी को चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा है नोटिफिकेशन आपको हम शेयर कर देंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप नोटिफिकेशन से आप मैच कर लीजिए। और अभी यदि आपके पास समय है तो आप जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है प्रोफॉर्मा, उस प्रोफॉर्मा पर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट के लिए समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ऐसा देखिए थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछला भर्ती में डॉक्यूमेंट यदि किसी का सही नहीं है उसको आउट कर दिया गया, कोई यदि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगे गया उसको आउट कर दिया गया। लेकिन यहां हम सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट की बात हम कर रहे हैं। तो ये सबमिशन के लिए है कि फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है। अब देखिए, एक तो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए है जो पहले से ही किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए है। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, तो देखिए अब यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट जो एनेक्सर 2 है नोटिफिकेशन का, एनेक्सर 2 ये बताता है कि प्रोफॉर्मा कैसा होना चाहिए। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल ट्राइब्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद नेम आपका, फादर्स नेम आपका, एड्रेस उसमें होगा, और ये जो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट यूनियन टेरिटरीज ऑर्डर 1951, अब आप किस स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहां आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट में सिर्फ यही एक यूपी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1967 जो है ये लिखा हुआ है, ये आप मैच कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है और आपको फिर भी डाउट लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके पास में नहीं है, तो आप नोटिफिकेशन से इसका एनेक्सर 2 प्रिंट आउट निकलवा कर एससी एसटी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इसको ऑफलाइन बनवा सकते हैं। उसके लिए आप कहां बनेगा, तो ये बनेगा देखिए, सिग्नेचर डेजिग्नेशन विथ सील ऑफ ऑफिस। तो ये कहां बनता है, ये बनता है तहसीलदार नीचे के रैंक का अफसर का नहीं होना चाहिए। कुछ स्टेट में एसडीएम के यहां से भी इश्यू होता है, कुछ स्टेट में कमिश्नर के यहां से इश्यू होता है। तो लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू इश्यू कास्ट टाइप सर्टिफिकेट कौन कौन है ये भी यहां पर लिखा हुआ है, ये कौन कौन बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकता है, एडीएम बना सकता है, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर्स, फर्स्ट क्लास टाइप एंट्री मजिस्ट्रेट, ये कुछ स्टेट में होते हैं, एसडीएम, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, जैसे गुजरात में होता है तालुका मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, राजस्थान में तहसीलदार बनाते हैं। तो तहसीलदार में यदि आपका सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार के यहाँ से इश्यू हुआ है, कई जगह क्या होता है कि सब तहसील है उसमें तहसीलदार एम्पावर कर देते हैं, डीएम के यहाँ से एम्पावर कर दिया जाता है कि कास्ट सर्टिफिकेट नायब तहसीलदार भी इश्यू कर देंगे, तो आप तहसीलदार से उसको काउंटर सिग्नेचर करवा लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है उस पर यहां यदि नायब तहसीलदार का है तो इधर काउंटर सिग्नेचर हो जाएगा, इसपे तहसीलदार जो भी तहसील है उसका, और गोल मोहर उस पर ध्यान रखना है।
उसको भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फोर्स में गोल मोहर के लिए भी कैंडिडेट्स के उस पे एसडीओ ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड ऑफ हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स। एसडीओ बिहार में जहां तक मुझे जानकारी है शायद एसडीओ के यहां से ये बनता है। तो यदि आपका एसडीओ का बना हुआ है तो एम्पावर है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एसटी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट्स ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इफ यू बिलोंग टू तमिलनाडु स्टेट यू हैव टू प्रोड्यूस योर कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। अब हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो आपको दो चीजें आपको मैच करनी है, देखिए ये प्रोफॉर्मा जो यहां पर दिया हुआ है इसमें आपको दो नंबर मैं दिखा देता हूं कि ये देखिए ये ओएम नंबर 36012/2293 ESTSCT डेटेड 1993। इसके अलावा भी कुछ और भी नंबर्स हैं, लेकिन यदि आपका आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें ये ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट वहां पर मान्य हो, नहीं लिखा हुआ है तो आप एनेक्सर 3 पर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आप साथ लेके जाइए, क्योंकि कुछ स्टेट में ऑनलाइन बनता है तो आप तहसील में आप जाएंगे वहां पर आपको कहा जाएगा तो ऑनलाइन बनवाइए, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा दीजिए और ये प्रोफॉर्मा दिखा दीजिए कि सर मुझे इस प्रोफॉर्मा पर ऑफलाइन चाहिए मुझे, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं आपको। जैसे जब ज्वाइनिंग होता है तब भी ये प्रॉब्लम आता है तो वो ऑफलाइन बन जाता है। यहां साफ लिखा हुआ है द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट मे हैव टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इज मेंशन्ड एज ओबीसी। तो वो रिजोल्यूशन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि किस रिजोल्यूशन के तहत आप ओबीसी कैटेगरी में शामिल हैं अपने स्टेट में। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द टर्म ऑर्डिनरी यूज्ड here will have the same meaning as in section 20 of the representation of the people act 1950। चलिए ये हो गया है। अब दूसरा जो कास्ट जो हाइट चेस्ट मेजरमेंट का जो है एनेक्सर 4, हाइट चेस्ट मेजरमेंट किसका बनेगा, जो एसटी हमारा जितना भी है उनका होगा। तो एसटी यदि राजस्थान का कोई कैंडिडेट है वो एसटी है और हाइट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से उनका हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो है वो गढ़वाली है, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उनके लिए ये एनेक्सर बनेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम जीटीए गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिनको हाइट में छूट दी गई है उनके लिए ये बनेगा। और लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट ये सब दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल का इलाका है सुकमा फॉरेस्ट। अब ये कहां से बनेगा, ही शी बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी एंड इज कंसिडर्ड फॉर रिलैक्सेशन इन हाइट मेजरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये बनेगा सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, तहसीलदार। तो तहसीलदार ही इसको जनरली इशू करते हैं। हाइट चेस्ट का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, अभी शायद नहीं बचे होंगे, यदि कोई बचे हैं तो उनका भी दिया हुआ है। और सर्विंग बीएसएफ पर्सोनल, यदि आपके फादर या फादर आपके, यानी आप बीएसएफ का रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं उससे आप सेंटर दूसरे सेंटर से आप भर्ती देख सकते हैं, उसके लिए आपको ये एनेक्सर 5 आपका जो है वो है। और ईडब्ल्यूएस जो है उसमें देखिए अब स्टेट का ईडब्ल्यूएस होगा या सेंटर का होगा, तो ईडब्ल्यूएस का प्रोफॉर्मा जो एक ही है, आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस प्रोफॉर्मा से मैच कर लीजिए। एनेक्सर 7 इससे यदि मैच होता है तो बिल्कुल ठीक है, फोटो उस पर लगा हुआ होना चाहिए। कहां से इशू होता है तो ये भी जनरली तहसीलदार के यहां से इशू होता है। अब आपके स्टेट में दूसरा कोई अथॉरिटी इशू करता है तो आप उससे इशू करवा सकते हैं। ये उसका प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, नोटिफिकेशन बीएसएफ का साइट पर
नोटिफिकेशन दिया हुआ है, फॉलोइंग अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू इश्यू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, कौन कर सकता है? रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे के रैंक का अफसर इसको इश्यू नहीं कर सकता। और ये वैकेंसी का डिटेल है। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जितने भी हमारे यूआर के कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनको किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी को चाहिए, जिसका प्रोफॉर्मा यहां दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी को चाहिए, जिसका प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस को चाहिए, जिसका प्रोफॉर्मा यहां पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन लेने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनका भी जो परफॉर्मा यहां पर दिया हुआ है, वो अपना एनेक्सर बनवा के लेके जाएं, जैसा एसएससी जीडी में एनेक्सर 8 जिसको बोलते हैं, उसको यहां पर एनेक्सर 4 करें। बने रहे दोस्तों चैनल के साथ, और ट्रेड की तैयारी भी आप अपनी उसी तरीके से करें। ट्रेड, डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल, तीनों की तैयारी बराबर वेटेज देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाए, ये ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सही हैं लेकिन ट्रेड में आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपको ट्रेड बहुत अच्छा आता है, 5-स्टार होटल में काम करते हैं लेकिन रनिंग नहीं हो रही है। तो तीनों फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, तीनों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। ट्रेड टेस्ट के लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जय हिंद।